हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेलानिया ट्रंप और अगर, नहीं अगर वो बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, उद्योगपतियों से और उद्योग जगत के लोगों से, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मेलानिया ट्रंप उनके साथ होंगी। नहीं, वेन्यू पे, एक ही वेन्यू पर आ जाएंगी, मतलब यूएस एम्बेसी में वो भी आ जाएंगी। यूएस एम्बेसी में वो अब क्या, तो ये नहीं है। अच्छा ये बता दें, वो पेड़ वहाँ पे जो पौधा लगाया जाता है, हाँ, वो लगाया। अच्छा ये भी एक परंपरा का हिस्सा है, क्योंकि आप जाएं जब राजघाट, तो वहाँ पर बाकायदा बताया जाता है, वहाँ पर नाम भी लिखा रहता है जी, कि ये किस राष्ट्राध्यक्ष ने लगाया था, ये पौधा किस राष्ट्राध्यक्ष ने लगाया था। दिबांग जी, पौधा और पौधा लगाने का अगर आपको याद हो तो मोटेरा के जो स्टेडियम है वहां पर उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया था कि अब मैं वहां जाऊंगा और वहां पर पेड़ भी लगाऊंगा, पेड़ भी लगाऊंगा। तो ये इसके बारे में इनको पहले से बता दिया गया था और इन्होंने अपने भाषण में मोटेरा में उल्लेख भी किया इसका। लेकिन दिबांग काफी बड़ा पेड़ है ये। ये तो पौधा तो इसको नहीं कहना चाहिए मुझे, बड़ा पेड़ है। अच्छा, लेकिन कभी दिबांग जी बता पाएंगे कौन सा क्या है सर? मुश्किल है। कभी कभी ये भी होता है, यहाँ शायद नहीं हो, कि अपने देश अपने से, देश से, अपने देश से पौधा लाया जाए। ये मेरा ख्याल है ये वही पौधा है जो उनके देश से आया, अपने पेड़ या जो भी यहाँ का कॉमन दिखाई देता है। लेकिन मौसम को ध्यान में रखकर लाया जाता होगा ना, मतलब मौसम को ध्यान में रखकर लाया जाता है, तो ये भी कभी कभी होता है। मेरा ख्याल है ये पेड़ के जो पत्तियां देखने से लगता है यहाँ कॉमन नहीं है। हाँ, मुझे भी इसकी बनावट से, क्योंकि नीचे की तरफ जो इसकी वो स्टेम जिसको कहना चाहिए वो भी ऐसे बल्क खाई हुए थी, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ यहाँ जो आमतौर पर हिंदुस्तान में हमें देखते हैं इस तरीके का लगा नहीं है। ये मेपल तो नहीं था, पर मुझको भी लगा मेपल, हाँ, लीव्स की शेप कुछ मेपल जैसी लगी। यहाँ पर इतना दूर से साफ बहुत ज्यादा साफ नहीं रहा है, लगे हैं एक दो पे कुछ कुछ पत्ते तो देखिए, वैसे वाकई में आप सही कह रहे हैं सर, कुछ मेपल लीव्स का फील तो दे रही है ये पत्तियां जो है, पर ये जो तना जिस तरह से मुड़ रहा है, नहीं अब मुझे ये पास से तो मेपल नहीं लग रहा है, अब तो ये मेपल नहीं लग रहा है, पास से देखने में नहीं हो सकता है वो तो। लेकिन नीचे देखिए वो तना जो है वो किस तरीके से बल्क खाया हुआ है, तना रस्सी की तरह तना इससे इस तरह से जो बल खाता पेड़ उसको पचीरा कहते हैं, तो लगता है ये पचीरा होगा, पर ये बहुत दूर से तस्वीर है, या हो सकता है मेरी नजर कमजोर हो रही है, ये पचीरा भी हो सकता है। और पचीरे की खास बात है कि आप उसके तने को काट के लगा दीजिए, उसी में से पेड़ हो जाता है उसका पचीरे का। मुझको लगता है कि ये पचीरा ही है, और ये होता है ये पेड़, ये भारत में भी होता है, भारत में बाहर से मंगवाया जाता है। बाकी ये जो बल्क या पेड़ जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं भारत में भी होते हैं, ये मतलब बड़ा छायादार वृक्ष बनता है। हाँ, बड़ा वृक्ष बनता है, पर इसको बहुत ही जतन से रखना होता है। अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है तो पचीरा उसमें ठीक काम करता नहीं है। बाकी जो बल्खाया पेड़ जो आप कह रही है, जो तना बल्खाया होता है, उसको कहते हैं चमरोड़। और चमरोड़ भारत में बहुत होता है, उत्तर भारत में बहुत होता है, और बहुत तो चमरोड़ पहाड़ी इलाकों में शायद, पर ये चमरोड़ नहीं है। ये तो चमरोड़ नहीं है, और चमरोड़ जो है वो तो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है। हाँ, रेगिस्तानी पहाड़ी दोनों जगह इलाके होता है, उसमें उसकी बार कैसी हो जाती है कि बहुत ज्यादा सूरज भी पड़े तो उसका असर होता नहीं है, पर ये चमरोड़ नहीं है, ये वो बल्खाया हुआ मुझे लग रहा है कि पचीरा ही है। और ये भी कुछ इंतजार सिर्फ इस बात का है कि आज उन्होंने क्या लिखा है इस मैसेज में। बिल्कुल इंतजार तो इसी बात का है कि ये इंतजार इसलिए भी होगा क्योंकि मुझको लगता है इस पे यहाँ तो चर्चा होगी होगी, बाहर यानी इनके देश में भी इस पर बड़ी टिप्पणी होगी, क्योंकि काफी बड़ा अफ्रीकन अमेरिकन एशियन कलर्ड वोटर है उनके देश में। और मैं कह रहा हूँ जिस तरह गांधी जी पे काफी विश्वास भी रखता है, गांधी जी के वो वोटर इनका वोटर नहीं है। नहीं, हाँ, वो इनका वोटर नहीं है, बल्कि ये कुछ ये बार बार, लेकिन ये इस विजिटर्स बुक में आज के संदेश से अपने देश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला संदेश तो दे सकते हैं ना भाई। हाँ, वो जरूर। मेरा ख्याल है दिया है इन्होंने कुछ, गांधी जी के बारे में जरूर लिखा होगा, काफी देर बैठे रहे लिखते रहे काफी देर बैठे रहे लिखते रहे और जब वो बैठे लिखे होंगे उसकी जब तैयारी की होगी, इस बात का खास तौर पर ध्यान गया होगा कि मेरा श्वेत या श्वेत वाला जो है वो हमेशा रेड लाइन आ जाती है उसके एक नीचे, जिस तरह के उनके संबंधों पर मेरे जो विचार हैं, क्या मैं उनमें कुछ सुधार कर सकता हूँ, चुनाव आने वाले हैं, क्या मैं उनको लुभाने के लिए एक आध चीजें लिख सकता हूँ, उस परिप्रेक्ष्य में भी उसको सोचा गया होगा। ये तो और वो दिखाई पहले देगा, तैयार था ना, बिल्कुल ये पहले से लिखा हुआ संदेश था जो उनके हाथ में एक पर्चा था जिसे उन्होंने विजिटर्स बुक में दाईं तरफ रखा था, बाईं तरफ रखा था, और फिर उन्होंने दूसरी तरफ उसी को लिखे हुए संदेश को कॉपी किया और आखिर में अपना हस्ताक्षर किया। विजिटर्स बुक में अपना संदेश लिखने के बाद जब आगे बढ़े डोनाल्ड ट्रंप, तो पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ उन्होंने ये वृक्षारोपण किया। हालांकि ये कौन सा वृक्ष है अभी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन
दिबांग जी जिस तरीके से बता रहे थे, सर क्या नाम बता रहे थे आप? पचीरा, पचीरा, पचीरा हो सकता है ये दिबांग जी ने यहां पर बताया है। तो ये तीन तस्वीरें राजघाट से, जो राजघाट में जो ट्रंप का दौरा था उसको पूरी तरीके से समेट कर आपके सामने बयां कर रही हैं कि सबसे पहले जो वो पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और उसके बाद विजिटर्स बुक में जो संदेश लिखा उस समय की तस्वीर, अच्छा संदेश पूरा लिखा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और फिर नीचे उन्होंने अपने हस्ताक्षर करने के बाद जो विजिटर्स बुक है वो पत्नी मेलानिया ट्रंप जो उनके बराबर में खड़ी हुई आप देख रहे हैं उनकी तरफ बढ़ाई, और फिर मेलानिया ट्रंप ने भी नीचे अपने हस्ताक्षर किए, और फिर ये तीसरी तस्वीर जो राजघाट में पेड़ लगाया ट्रंप दंपत्ति ने। अच्छा ओबामा साहब ने, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि जब बराक ओबामा यहां पर आए थे तो उन्होंने लगाया था पीपल का पेड़, और उससे पहले जब बिल क्लिंटन साहब यहां पर आए थे तो बिल क्लिंटन साहब ने लगाया था आम का पेड़। मतलब ये तो दोनों भारतीय एक तरीके से पेड़ हो गए, लेकिन जब आए हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वो पचीरा, और ऐसा ये पेड़ है कि भारत में कम ही दिखता है। जी मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप ये बिल्कुल मेरे पर टांग मत दीजिए, मैं इस बोर्ड को उठाने को तैयार नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि अभी भी मेरे पास मैं सिर्फ इसके तने को देखकर बता रहा हूँ कि इस तरह का जो तने का वीव है वो आप जाइए तो इस तरह से दिल्ली में भी बहुत जगह ये मिल जाएगा, तो इसमें तने का वीव रहता है। हाँ। तो आप इसको बार बार मेरे पे न टांगे, मेरा ये विनम्र निवेदन है आपसे। बिल्कुल आप पर नहीं तान रहे, लेकिन कमरा का सब आपके पास ही आ रही हूँ सर। मतलब ये रिपब्लिकन वाला पेड़ हो गया ना, मतलब इससे पहले जो है, देखिए इसके पीछे ज़हनियत देखिए, ओबामा साहब ने पीपल का पेड़ लगाया जो की प्योर इंडियन है, वो डेमोक्रेट है सर, डेमोक्रेट। क्लिंटन साहब जो है वो आम का पेड़ लगा कर वो भी डेमोक्रेट है, मतलब हमारी कल्चर हमारी सभ्यता का ध्यान रखा और हमारे यहाँ वाले पेड़ लगा। पीपल हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल पूजा जाता है। दूसरी बात ये कि वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उसके अलावा ये है कि उससे जुड़ी भी बहुत सी चीजें हैं, मिथोलॉजी भी बहुत सी चीज जुड़ी। आम का पेड़ उन्हीं ने लगाया, इसके मतलब ये कि बिजनेस माइंड था उनका, क्लिंटन साहब का, और उससे यानी फायदा होना चाहिए लोगों को, ही थिंक्स दैट वे। चलें एक बार जल्दी से जरा राजघाट की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट हमने आपके लिए बना दी है। तो मेगा कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने राजघाट में जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विजिटर्स बुक में अपना संदेश लिखा, और उसके बाद राजघाट में ये पेड़ भी लगाया ट्रंप दंपत्ति ने, और अब राजघाट से निकल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। किसी भी पल तस्वीरें आपके सामने होंगी हैदराबाद हाउस की, क्योंकि हैदराबाद हाउस ही वो जगह है जहां आपसे कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में होनी है द्विपक्षीय बातचीत। बेहद अहम हो जाती है ये द्विपक्षीय बातचीत, क्योंकि यहां पर पहले दोनों नेताओं के बीच एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड वार्ता होगी जिसे आप 1-to-1 मान सकते हैं, हालांकि एक एक अधिकारी दोनों नेताओं के साथ रह सकते हैं, और उसके बाद एक्सपैंडेड डेलीगेशन बायलेटरल टॉक्स जिसका इंतजार है दोनों देशों को, खासतौर से भारत को, इस बात को लेकर कि आखिरकार डील में होगा क्या। अच्छा डील को लेकर बेहद इंतजार है देश को कि किस तरीके की होगी यह डील, लेकिन उससे पहले उत्सुकता जो है वो दो बातों को लेकर भी लगातार बनी हुई है कि ये विजिटर्स बुक में जो संदेश लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आखिरकार ये संदेश है क्या, लिखा क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आज राजघाट में इस विजिटर्स बुक में, क्योंकि कल जब साबरमती आश्रम पहुंचे थे वो तब उन्होंने बापू का जिक्र नहीं किया था। और साथ ही ये जो पेड़ लगाया है ट्रंप दंपत्ति ने, ये कौन सा पेड़ है ये भी जानने का हमें इंतजार है। तो ये देश जानना चाहता है, कहीं ना कहीं उत्सुकता बनी हुई है इस बात को लेकर, क्योंकि इससे पहले जब बराक ओबामा पहुंचे थे तो बराक ओबामा ने यहां राजघाट में पीपल का पेड़ लगाया था, उससे पहले बिल क्लिंटन जब पहुंचे थे तो बिल क्लिंटन ने आम का पेड़ लगाया था, और डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचे हैं तो उन्होंने ये कौन सा पेड़ है जो यहां लगाया है राजघाट में, इसका नाम अभी तक हम नहीं जान पाए हैं, इसकी पुष्टि हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, और वहीं विजिटर्स बुक में क्या संदेश लिखकर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसे जानने में भी खासी दिलचस्पी है हम सभी की, इंतजार कर रहे हैं जैसे ये दोनों खबरें सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच हैदराबाद हाउस की तस्वीर आपके सामने, और हैदराबाद हाउस का मुख्य द्वार
मेन एंट्रेंस जो है आज वहीं पर होगा फोटो ऑप दोनों नेताओं के बीच। अमूमन आपने देखा होगा कि जो फोटो ऑप है वो हैदराबाद हाउस के भीतर जो अंदर का कॉरिडोर है वहां पर होता था, लेकिन आज चुना गया है मुख्य द्वार को, यहीं पर फोटो ऑप, मतलब दोनों देशों के नेता जो हैं वो बाकायदा हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात करते हुए यहीं नजर आएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे और उसके बाद हैदराबाद हाउस के भीतर जाएंगे। यहीं हैदराबाद हाउस में होनी है द्विपक्षीय बातचीत। सवाल कई हैं, अमेरिका से इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में भारत को क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल। क्या भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ी कारोबारी डील होगी, ये दूसरा अहम सवाल। हालांकि इसके चांसेस कम इसलिए नजर आते हैं क्योंकि भारत आने से पहले खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि बड़ी डील तो करेंगे वो, लेकिन आगे अभी नहीं। अच्छा, कल जिस तरीके से मोटेरा स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक हार्ड नेगोशिएटर वाली बात कही थी, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अभी एक बड़ी कारोबारी डील में भारत और अमेरिका के बीच कुछ समय लग सकता है। इस बीच नमस्ते ट्रंप पर यह सबसे बड़ी कवरेज जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अब तक की डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत यात्रा है उसी को समअप कर रही है आपके लिए। किस तरीके से कल भारत पहुंचने के बाद गुजरात में अहमदाबाद में कदम रखने के बाद जब काफिला आगे बढ़ा तो सबसे पहले साबरमती आश्रम, फिर मोटेरा का वो स्टेडियम जहां पर जबरदस्त संबोधन दोनों नेताओं की तरफ से, शाम के वक्त ताज नगरी आगरा, ताजमहल का दीदार और उसके बाद आज सुबह से जो कार्यक्रम हुए हैं राष्ट्रपति भवन में औपचारिक सम्मान स्वागत, फिर राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि और अब लाइव सीधी तस्वीर हैदराबाद हाउस की। सुबह के 11 बज चुके हैं, किसी भी पल डोनाल्ड ट्रंप की यहां हैदराबाद हाउस से सीधी तस्वीर आप देखेंगे। यहीं पहुंचेगा डोनाल्ड ट्रंप का काफिला और यहीं मुख्य द्वार पर ही उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए आएंगे और उसी दौरान फोटो ऑप। काटजू साहब, वो प्रोटोकॉल से थोड़ा हटके है, ज्यादा गर्म जोशी दिखाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को और मुख्य द्वार पर ही उनका स्वागत होगा। मुख्य द्वार पर तो प्रधानमंत्री जाते ही, लेकिन इस वक्त फोटो ऑप भी वहीं होगी और ये थोड़ा विशेष एक बात है। अच्छा सर, वो जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं हैदराबाद हाउस की, मुझे वहां कुछ हलचल सी होती हुई नजर आ रही है, वो फ्रेम जो कैमरा है वो तस्वीरें कुछ जो नजर आ रही है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद बाहर की तरफ आ रहे हैं क्या, हैदराबाद हाउस में लॉन की तरफ है, यहां पे सेरेमनी होगी जी, उसका दौरा कर रहे हैं। अब ये तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है या ये मेन एंट्रेंस की तरफ, मुझे लगता है ये पहले की है, ये तैयारियां देख रहे हैं प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि प्रधानमंत्री वो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बड़े डिटेल में जाते हैं इन मामलों में और आप इससे तस्वीरों से ही जाहिर है। देख लीजिए वहीं की है, झंडे वगैरह लगे नहीं, नहीं बिल्कुल तस्वीर तो वहीं की है, लेकिन वो मेहमान नवाजी और पूरी तैयारियों का जायजा रहते हुए कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। बिल्कुल जी, खास दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप और कहीं ना कहीं उम्मीद इस दोस्ती से ज्यादा है कि जितने बंद दरवाजे हैं उसकी चाबी ये दोस्ती साबित हो ताकि भारत के हित साधे जा सकें और इसी वजह से मेहमान नवाजी में कहीं कोई चूक ना रह जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, ये वो लॉन्स, यहीं लॉन में माना जा रहा है कि जो जो ब्रीफिंग है मीडिया को, जो स्टेटमेंट जारी किया जाएगा दोनों नेताओं की तरफ से, वो यही लॉन्स में किया जाएगा। देख रहे हैं हैदराबाद हाउस को भी देख रहे हैं जी, अब वो तो मुझे लगता है कि वो में देखना है कि क्या वो शामियाने में होगा। सर ये तो बाहर की तरफ का है, बाहर की तस्वीर जी, तो पीछे की तरफ भी अंदर भी लॉन्स हैं, अंदर भी दो छोटे छोटे आंगन हैं जहां पर लॉन है, हैदराबाद है। हाउस में दो छोटे आंगन हैं, बहुत खूबसूरत है, हाँ। लॉन है, लेकिन बाहर के लॉन भी बड़े अच्छे हैं इस वक्त तो। ये देखिए, मुझे लगता है चीफ ऑफ प्रोटोकॉल से बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ही हमें नजर आ रहे हैं, नागेश सिंह है जी, और उनसे बात हो रही है। तो ये वो जगह है जहाँ पे इन्हीं ने बराक ओबामा को चाय भी पिलाई थी जी, इसी लॉन में, उन्हीं इसी लॉन में चाय पिलाई थी और मीडिया काफी दूर से था और बैठ के चाय पे चर्चा की थी उनके साथ, प्राइवेट बातचीत हुई थी और चाय बना के उन्हीं ने पिलाई थी। तो ये हैदराबाद हाउस से सीधी तस्वीरें। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।